नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगस्त से लेके दिसंबर तक कुंभ राशि के जातक के साथ कैसा रहेगा? कुंभ लग्न के जातक और कुंभ राशि के जातक के साथ अगस्त से लेके दिसंबर तक का समय अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, दो भी है, देखेंगे समझेंगे, बने रहिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ बोल दूँ, जो बता रहा हूँ ना, इसका मतलब बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि जो बता रहा हूँ वो सबके साथ हो, मतलब जितने भी कुंभ राशि वाले जातक हैं सबके साथ हो जैसा बताओ, ये मत समझ लीजिएगा, ये संभव भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो निर्भर करता कि आपके कुंडली में खुद के ग्रह कैसे हैं, उसके बारे में भी बात होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं पास्ट के बातों को भी बताऊंगा, पास्ट के बातों को लेके ही चलूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन मैं पास्ट की बातों को बताऊंगा जिससे कि आपका इंटरेस्ट बढ़े और थोड़ा सा विश्वास हो। तो देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए वीडियो है और अगस्त के महीने में मतलब जो होगा वो करेंगे बात, लेकिन पास्ट में देखा जाए तो जनवरी फरवरी नॉर्मल गया, मार्च में थोड़ा सा सूर्य और शनि डिस्टर्ब हुए थे। मार्च में सूर्य और देखिए शनि अभी कहाँ चल रहे हैं, शनि अभी इसमें चल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा शनि सूर्य आपस में आए थे, तो आपने इस बात को गौर किया होगा कि कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, इन सभी इशू में कुछ ना कुछ आपका मार्च के समय में दिक्कत देखने को मिला होगा। कुछ भी दिक्कत, पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, इससे संबंधित दिक्कत आपको मार्च में देखने को जरूर मिला होगा। फिर आते हैं अप्रैल में, देखिए अभी देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं वृषभ राशि में, ठीक है, फिलहाल में तो अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो अप्रैल मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में देखा जाए जो पास्ट में जो चीज़ें रही है उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुरु डिस्टर्ब हुए, मतलब कि आपके आय भाई में डिस्टर्बेंस आया, आय भाई में, आय भाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला होगा, क्योंकि बुध का इंटरचेंज हमेशा होता रहता है। ये मैं भविष्य के बताया हूँ, मैं बृहस्पति गोचर चेंज भी किए भी थे, तो आय में कहीं ना कहीं आपको अप्रैल के महीने में जॉब ना मिलना, जॉब चला पर टूट गया, जॉब पे बहुत प्रेशर हो गया, बहुत इस तरह की कुछ चीज़ें, बिजनेस नहीं चला, प्रमोशन नहीं हुआ, ऐसे कई सारी चीज़ें आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिला होगा। और देखिए अप्रैल के महीने में ना राहु सूर्य के साथ थे, चूँकि अभी राहु यहाँ पर चल रहे हैं तो राहु ने सूर्य को भी डिस्टर्ब किया, तो अप्रैल के महीने में आपके पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होगा, अप्रैल के महीने में पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब आपका हुआ होगा। और देखा जाए तो अप्रैल के महीने में शनि मंगल का योग चला था, शनि का था और मंगल का था ये और ये, तो कहीं ना कहीं आप कुछ करना चाहें पर आपका किया गया काम सफल नहीं हुआ, कुछ आप कर नहीं पाए, कई तरह की दिक्कतें आए, आगे नहीं बढ़ पाए, रुकावटें आई, इस तरह की दिक्कत आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिला होगा। मई की बात किया जाए तो मई में बहुत अच्छा समय रहा, मई के समय बहुत शानदार रहा, तो देखे होंगे कि आपके निश्चित तौर से जो लोग जॉब की तलाश में थे उनको मई में जॉब मिल गई होगी, मई में प्रमोशन हो गया होगा, मतलब तो पैसा से संबंधित चीज़ों में देखा जाए तो मई में थोड़ा सा राहत हुआ, मई में थोड़ी सी कुछ चीज़ें अच्छी हुई, ऐसा आय को लेकर, बिजनेस को लेकर, प्रमोशन को लेकर, पैसा को लेकर, इस तरह चीज़ देखने को आपको मई के महीने मिला। और राहु मंगल का भी योग चला था मई के महीने में, तो निश्चित तौर से मई के महीने में कैरियर बहुत डिस्टर्ब, बहुत लोग का तो नौकरी एकदम बना बनाया साम्राज्य गिर गया होगा, जून में भी हुआ होगा, मई जून में बना बनाया साम्राज्य गिर गया होगा, पूरा जिंदगी भर कमाई खत्म हो, बहुत बुरा हुआ होगा मई जून के महीने में, ऐसा साफ साफ इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। और जून के महीने में गुरु शुक्र थे, जून के मतलब आय को लेकर ना हमेशा डिस्टर्बेंस आय को लेकर रहा है, देखा जाए तो जनवरी से लेकर अभी तक जो है आय को लेकर, पैसा को लेकर और पर्सनल लाइफ को लेकर, इन सब चीज़ों को डिस्टर्बेंस तो बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, आय को लेके, इन सभी चीजों को लेके ना बड़ा डिस्टरबेंस आपका लेके अभी तक रहा है। अब आगे क्या होगा देखिए, आगे मंगल और बृहस्पति, देखिए फिर यहाँ बृहस्पति डाउन होंगे,
बृहस्पति, फिर तो फिर आपका अगस्त महीने फिर से हो सकता है कि आपके इनकम में, आपके आय में, इन सब में देखिए एक चीज और देख लीजिएगा। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ये चीज तो मेरे साथ नहीं है। जिनका ये उठा हुआ होगा बृहस्पति साफ सुथरा होगा ना, उनको शायद दिक्कत ना हो क्योंकि उनके खुद के बृहस्पति अच्छे होंगे। तो अगस्त के महीने में इनकम को लेके, जॉब को लेके, आय को लेके काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा और शनि शुक्र का योग था तो लगन का सपोर्ट मिला तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा भी कुछ हुआ होगा। मतलब कि भले इनकम डाउन हो लेकिन जो लोग लाइफ में आगे बढ़ने के जिनको मौका मिला था, जो लोग आगे कुछ करना चाह रहे थे, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गया था, उनके कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि बहुत अच्छा लाइफ में एक कदम वो आगे बढ़ गए होंगे, ये भी चीजें हुआ होगा जिनका शनि अच्छा होगा या जिनका शुक्र अच्छा होगा। ठीक है, ये अगस्त के महीने में हुआ होगा, मतलब होगा। सितंबर के महीने देखा जाए, सितंबर में फिर से शनि सूर्य डिस्टर्ब हो रहा है, सितंबर के महीने फिर से आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगा, पर्सनल लाइफ मैरिज लाइफ फिर से सितंबर के महीने में डिस्टर्ब होने जा रहा है। और राहु अचानक से कुछ आपको लाइफ में सितंबर के महीने में कुछ उपलब्धियां मिलेंगी, अचानक से भाग्य आपका चमकेगा सितंबर के महीने में और कुछ प्रॉब्लम उलझन जो गुजर रहे थे उससे आपको सॉल्व मिल जाएगा सितंबर के महीने में, ये साफ साफ इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। अक्टूबर के महीने में सबसे बुरा आपका पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, लव लाइफ अक्टूबर के महीने में काफी ज्यादा बुरा होने जा रहा है। नवंबर में देखा, नवंबर में गुरु और सूर्य का युति बना हुआ है तो नवंबर में वही है आय को लेके, इनकम को लेके डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है नवंबर के महीने में भी। दिसंबर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, भगवान ने चाहा तो काफी अच्छा खासा पैसा आएगा दिसंबर के महीने में, कोई दिक्कत मतलब मिला जुला के मुझे लगता है ना कि कुंभ राशि वाले पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, आय, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा। हाँ, एक महीना कुछ चीज़ें ऐसा कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ होगा जिनके मतलब कि बृहस्पति जिनके बहुत अच्छे होंगे उनके साथ बड़ा अच्छा हुआ होगा। फिर वही क्या हो रहा है कि फिर से अगस्त से लेकर दिसंबर रही पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ, पैसा फिर से दिक्कत होगा, लेकिन जो ये शनि और सूर्य का युति बन रहा है ना ये अगस्त में बन रहा है तो एक महीना ऐसा अगस्त महीना ऐसा रहेगा जो काफ़ी अच्छा जा सकता है, इस बात को इंडिकेट यहाँ पे साफ साफ हो रहा है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कुंभ राशि के लिए, बाकी तो अगस्त और दिसंबर ये दो महीना, अगस्त दिसंबर दो महीना बड़ा अच्छा जाएगा, बाकी सबको वही सब दिक्कत रहेगा। बाकी आपके कुंडली बृहस्पति कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, शनि कैसे, बाकी ग्रह कैसे, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप व्हाट्सअप पर कुंडली दिखवाना है, कुछ साथ दीक्षा पे कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।